पंजाबी व्यस्त थाली, जिसमें आज आपको देखने को मिलेंगे छोले, शाही पनीर, रायता, जीरा राइस और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम किचन टू लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? हम सबको थाली खाने के लिए अक्सर रेस्टोरेंट या होटल जाना पड़ता है और थाली का टेस्ट तो सबको भाता ही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी वेज थाली, जिसे हम घर पर तैयार करेंगे, वो भी 30 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे छोले, जिसे मैंने ओवरनाइट सोख होने के लिए रख दिए थे। छोले बॉईल करने से पहले मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, एक तेज पत्ता और लौंग। अब छोलों को 5 से 6 व्हिसिल लगाकर बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम छोलों के लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को चॉपर में एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही हम शाही पनीर के लिए प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे और लहसुन अदरक के साथ सबको पैन में डाल देंगे। सभी मसाले डालकर इसमें बटर और काजू ऐड करेंगे और फिर 2 कप पानी डालकर 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब छोलों के लिए ऑयल गर्म होने पर हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले और ग्राइंड किए हुए प्याज, लहसुन और अदरक। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, तब तक हम शाही पनीर की ग्रेवी को चला लेंगे। अब प्याज ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे टमाटर और इन्हें सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें मसाले डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। मसाले अच्छे से भूनने के बाद ऐड करेंगे बॉईल किए हुए छोले। छोलों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे छोलों का बॉईल किया हुआ पानी और अब इसे 15 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारे शाही पनीर की ग्रेवी का मिक्सचर बनकर तैयार है और हमारे स्वादिष्ट छोले बनकर भी तैयार हैं, जिसे हम हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेंगे। यहाँ मैंने मिक्सचर को ठंडा कर लिया था और दालचीनी, तेज पत्ते को अलग करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। शाही पनीर के लिए पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब यहाँ ग्राइंड की हुई ग्रेवी को छान लेंगे, जिससे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा मुलायम टेक्सचर मिलेगा। यहाँ हम बटर लेंगे और बटर को हल्का मेल्ट करने के बाद इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें पनीर डालेंगे और बटर के साथ 5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जिससे पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और ऐड करेंगे ग्रेवी। ग्रेवी को 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसके बाद ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा जावित्री पाउडर, चुटकी भर नमक और लास्ट में गैस ऑफ करने के बाद ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ हमारा शाही पनीर बनकर तैयार है। अब हम अपने जीरा राइस रेडी कर लेंगे और गर्मा गर्म पूड़ियां भी तैयार कर लेंगे।
तो पेश है हमारी मजेदार और स्वादिष्ट पंजाबी वेज थाली। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।